एक तो मैं मुझे लगता है कि मैं इस संस्थान में जहां हम आए हैं डॉक्टर बसप्पा रेड्डी जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि जब हमने एक दफा बात की थी तो उसको माना कि फंक्शन यहीं करें और योग और आयुर्वेद तो हम बहुत इकट्ठे हैं, जैसे हम रेडक्रॉस सोसाइटी में भी एक अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, वहां भी बसप्पा जी पूरा अपना योगदान देते हैं और आयुर्वेद और योग से हम इकट्ठा मिलकर प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जैसे जो दिल्ली के अंदर हमारा संस्थान चौधरी ब्रह्म प्रकाश, उसमें भी हम योग को वहाँ एक इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं और यह संस्थान में जहाँ बैठे हैं, मुझे ध्यान है कि संस्थान के जब हमने जगह की बात की थी तो हमारी शैलजा जी तब हमारी सेक्रेटरी थी, तब भी हमने इस जगह को लेने के लिए मैंने खुद प्रधानमंत्री जी से बात की थी। तो इसलिए योग और आयुर्वेद हम मिलकर चलते हैं, इसी प्रकार हम चाहेंगे कि हमारे सारे जो प्रोग्राम हों सब इकट्ठे हों। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद चाहूँगा। और दूसरा, हमारे जो कनेरी वाला जी हैं, जब यहाँ आने से पहले वो सिक्किम में थे, वहां पे जो इंचार्ज थे उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो शायद बहुत लोगों को भी पता नहीं है, मैंने उसको देखा है उनके पास उनके ऑफिस में, चार धाम के नाम से, जो कि एक पहाड़ के ऊपर पूरा बनाया गया है हिमालय पे, उसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग है पूरी, उसमें चार धाम का उसमें पूरा वो दिखाया गया है और वहां की सरकार ने बनाया है और उसके इंचार्ज ये खुद थे। यहाँ आने से पहले शायद मेरे भारत के राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन भी किया था। मैं उनको विशेष रूप से आपके माध्यम से सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने सिक्किम में बनाया जो देखने लायक है और ये जो उनके प्रयास से संभव पाया था, सिक्किम सरकार का उसमें उन्हीं के वहाँ के मुख्यमंत्री की वजह से बना।